हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है सागर मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर मिश्रा एक्सप्लोरर। तो अब मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के टूर पर, जहाँ पर होगी बहुत बर्फ और बहुत ठंडी, इसलिए हम लोग फुल विंटर जैकेट्स वगैरह लेकर जा रहे हैं और साथ ही में हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करने वाले हैं। मास्क भी रखा हम लोगों ने और सैनिटाइज़र भी, आप लोग भी रखिए अगर आप जा रहे हैं। तो मैं ये टूर मेरे फ्रेंड्स के साथ जाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको उनसे मिलूं। सूर्या मिश्रा, हाय सूर्या। और ये हिमांशु मोहनत, और ये अनुत्तर शर्मा, और ये शुभम मिश्रा। हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है रतलाम मध्य प्रदेश से। अब हम आ चुके हैं रतलाम स्टेशन पर। हम तेजस राज एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं और हमारी ट्रेन 12:30 बजे रात में चलेगी और हम लोग 8:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो उसके आगे हम लोग हिमाचल कैसे जाने वाले वो आपको मैं दिल्ली जाकर बताऊंगा। गुड मॉर्निंग। सो हम लोग अब 8:30 बजे न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हम वो कैसे जाने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिए निकल रहे हैं न्यू दिल्ली स्टेशन से। हमने ऑलरेडी एक कैब बुक कर रखी थी जो हमको पूरा हिमाचल प्रदेश घुमाएगी। राजकुमार जी की कैब है, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अभी 11 बज रहे हैं और अब हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने हरियाणा में अमृत सुखदेव पर। सुना तो है यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है और ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलता है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं, फिर आपको बता रहे कैसा लगता है। अब हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने अमृत सुखदेव पर पनीर के पराठे, आलू पराठे और छोले भटूरे खाए थे, बहुत टेस्टी थे। अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट या खाना अमृत सुखदेव पर ही करें। उसके साथ ही यहाँ पर मसाला चाय बहुत टेस्टी थी, तो आप वो भी पिए। अब आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे फ्रेंड्स और ड्राइवर बैग लगा रहे हैं, अच्छे से जमा रहे हैं क्योंकि अब हम लॉन्ग रूट पर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको रूट पर दिखाता हूँ और क्या क्या मिलता अपने को बीच में। सो गाइस, रास्ते में आपको हरियाणा से पंजाब जाते टाइम लंगर दिखेंगे बहुत सारे, तो उसी लंगर में हम रुके हैं। अब हम लोग वहाँ पर थोड़ा प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का। तो गाइस, हमने लंगर में खाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मनाली के लिए। गाइस, फाइनली दिन भर ट्रेवल करने के बाद अब हम लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। अभी भी यहां से हमको मनाली पहुंचने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। हाय गाइस, तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और बहुत ठंड हो चुकी है, तो इसलिए हम लोगों ने बीच में गणेश ढाबा पर रुके, कॉफ़ी पिए और हमारे राजकुमार जी ने चाय पिए। तो अभी हमारी जो डेस्टिनेशन मनाली, यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 घंटे और लगने वाले हैं हमको। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी से ठंड की। अभी रात की 3 बज रही है और फाइनली हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं मनाली पे। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है और मैं आगे 7 दिन घूमने वाला हूँ। उनके हर दिन का अलग अलग ब्लॉग डालने वाला था ताकि आपको मैं एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बता सकूं और आपको अच्छे से गाइड कर सकूं ताकि आप आओ तो अच्छे से घूम पाओ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। थैंक यू गाइज़।